हेलो फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी है और सबको बहुत पसंद आती है। कढ़ाई गर्म थी, ऑयल डाल दिया है। इसी के साथ हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। करीबन हमने 4 कटी हुई हरी मिर्चें ली है। इसी के साथ हमने करी लीव्स है जिसे हमने काट लिया है, क्योंकि करी लीव्स बहुत हेल्दी होता है, तो बारीक कटा हुआ होता है तो हम खा लेते हैं, वरना साइड से निकाल देते हैं। और हमने ये राई के सरसों के कुछ दाने डाल देने हैं। ये बिल्कुल फटाफट हो गया है क्योंकि ऑयल गर्म था। इसी के साथ हमने प्याज है, करीबन हमने 2 बड़े प्याज काटे हैं इस तरह से लंबे पतले, उसे भी छोड़ देंगे और हल्का सा भून लेंगे इसे। प्याज के साथ साथ हमने मूंगफली भी डाल देनी है जिसे हमने थोड़ा सा ग्राइंड किया था, भून लेते हैं। प्याज हमारा हो गया है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, हल्का सा भूनना होता है। इसी के साथ हमने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी रखी, उसे भी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बस मिक्स होते ही इसके अंदर हमने आलू भी डाल देने हैं। अब इसमें हमने बॉइल किए हुए 2 बड़े साइज के आलू है जिसे इस तरह हमने काट लिया है, इसे भी डालकर हम थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए ये एकदम अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसमें क्या करना है, हल्के से पानी के छींटे दे दें ताकि ये सॉफ्ट रहता है, कड़क कड़क नहीं होता है, सूखा सूखा नहीं लगता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से पानी के छींटे दीजिए। उसके बाद हमने नींबू रखा है, इसे हम इसमें निचोड़ देते हैं। 1 नींबू आप डाल दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, नींबू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने ये 1 नींबू इसके अंदर पूरा डाल दिया है, इस तरह निचोड़ के। इसी के साथ हमने क्या करना है, हरा धनिया बारीक काट के रखा है, इसे इस तरह से डाल देते हैं और इसे फिर से 2 मिनट के लिए स्टीम में रख देते हैं इस तरह से। आइए चेक करते हैं। देखिए हमारा पोहा बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह की हेल्दी रेसिपी देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।